फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सृष्टि की टिपाड़िया चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी तुलसी जी का एक वीडियो शेयर किया था, होप करती हूँ आप सबने देख लिया होगा। जैसे आप सब देख सकते हो कि अब हम जा चुके हैं अपने दिसंबर के सेकंड वीक में, और आप सबको पता है दिसंबर में काफ़ी अच्छी खासी ठंड होने लगती है। और इस टाइम भी देखिए मेरी तुलसी माता काफ़ी हरी भरी अच्छी खासी है, और ये वही पॉट है जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैं कभी भी इनकी जगह चेंज नहीं करती हूँ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और कैसे मैंने इसके केयर टिप्स आप सबके साथ शेयर की थी उसको देखिए, और अपनी तुलसी माता को इसी तरह से बचाइए। चलिए, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है रोज़ लवर के लिए, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे रोज़ के प्लांट परचेज किए थे, बहुत सारे क्या, मेरे ख्याल से चार प्लांट रोज़ के किए थे, और चार प्लांट यहाँ कैलेंडुला के परचेज किए थे। उसमें से वेरीगेटेड हमारा जो रोज़ है इस बार ना, सारे के सारे वेरीगेटेड रोज़ आ गए हैं, हस्बैंड मेरे लिए लाए हैं। थैंक्स टू माई हस्बैंड, उनकी लंबी उम्र करे दुर्गा माता, मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे गार्डन का ध्यान रखते हैं। तो जी देखो, वेरीगेटेड हमारा जो रोज़ है इसकी बर्ड देख लो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल सी बड़ी बड़ी सी बर्ड बनी हुई है, और देखो खिल भी गई हैं कुछ और कुछ खिलने वाली हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्लांट है, बाकी मैंने सेट कर दिए हैं, साइड कर दिया, रिपोर्टिंग कर दी है। इनकी भी रिपोर्टिंग कर देते हैं, इनकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, थोड़ा स्पेशल तरीका होगा इनकी रिपोर्टिंग करने का। यहाँ पर देखिए लगभग 100 ग्राम के करीब चाय पत्ती ली है, एक मुट्ठी यहाँ पर नीम की खली है, एक मुट्ठी मेरा वर्मी कंपोस्ट है। यहाँ पर 10 से 20 दाने, दो प्लांट है, 10 से 20 दाने यहाँ पर मैंने DAP के लिए है। एप्सम सॉल्ट यहाँ पर डाल रखा है, नीचे की तरफ जरा सी एक मुट्ठी मिट्टी डाली है क्योंकि वहाँ पर छेद हो रखे हैं। ये सारा का सारा ठीक है, दो प्लांट है तो लगभग ये मेरे ख्याल से मिट्टी रेडी कर रही हूँ मैं, तो लगभग ये मेरा होगा 250 ग्राम या आधी किलो के करीब मेरा यहाँ पर किचन वेस्ट है। ठीक है, किचन वेस्ट की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और ज़रा सा आधा चम्मच के करीब यहाँ पर पड़ा है हमारा पोटाश। ठीक है, पोटाश के बाद आप इसमें और क्या चीज़ ऐड करोगे, कैल्शियम के लिए मैं एग सेल ऐड करने वाली हूँ। ये देखो इस तरह से सुखा कर रख रखे हैं मैंने, और इनको क्रश करके मैं ऐसे डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने एग सेल को क्रश कर लिया है, और इसमें मिट्टी डालकर मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, और मेरी मिट्टी में ना ज़रा सा लगभग 10 से 15 ग्राम के करीब मेरा उसमें रिवर सैंड भी रहेगा। और यहाँ पर दो पॉट मैंने चूज़ किए हैं, क्योंकि एक प्लांट बड़ा है एक छोटा है। तो ये मेरा 12 इंच का पॉट है, ये देख लो इसमें मिट्टी भरी हुई है, और ये दूसरा जो सामने दिख रहा है आपको ये है मेरा 10 इंच का। ठीक है, इनमें मिट्टी रेडी करके फिल कर लेती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जो है प्लांट अपना उसको सेट कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है, दूसरा कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए पॉट में मैंने होल बना लिए हैं, इसमें नीचे होल नहीं थे अभी तुरंत बनाए हैं, और इसको कवर कर दिया ईंट पत्थर के टुकड़े से। जो मिट्टी हमने रेडी करके रखी है वो इसमें इतना फिल कर लेती हूँ, पूरा फिल नहीं करना है, हाफ नहीं फिल करना, हाफ से भी कम करना है। और प्लांट की रूट बहुत अच्छी डेवलप हुई है, क्योंकि मैंने अभी तक गिन के मेरे ख्याल से 7 प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं, 2 अभी बाकी है करने। ठीक है, तो मैं रूट देख चुकी हूँ, पूना की मिट्टी है इनके अंदर, देखिए इस तरह से। ठीक है, रेड कलर की जो मिट्टी होती है ना वो पूने की होती है, वहीं से प्लांट आए हैं रोज़ के हमारे। तो ये इसमें सेट करके ना फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स, रूट आपको दिखा रही हूँ मैं, अच्छी तरीके से देख लो कितनी अच्छी रूट हुई है इनकी डेवलप। और मैं ना रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, विंटर में जब भी हम किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं ना, आप रूट को बिल्कुल भी छेड़ा मत करो। ठीक है, मैं इसको उठाकर एक हाथ से रखने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं रख पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है ये। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये देखो मैंने प्लांट जो है गमले में रख दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं जल्दी से, जो मिट्टी मैंने बनाई है वही। और देखिए कुछ और एक्स्ट्रा खाद ना मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्लांट को ना नीचे की तरफ से भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेगा, और ऊपर की तरफ से भी मिलेगा। वाटरिंग करने के बाद आप देखिए इसको लगभग सेट हो जाइए। अभी तो 2-4 दिन के लिए शेडी एरिया में रख देना, धूप तो वैसे हल्की है फिर भी शेडी एरिया में रख देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे देना, जैसे नीम की खली का, सरसों की खली का, एप्सम सॉल्ट का, हल्दी का, इन सब का लिक्विड फर्टिलाइजर इसको बदल बदल कर देते रहना। हफ्ते में एक बार जरूर अच्छे वाला स्ट्रांग वाला लिक्विड फर्टिलाइजर देना। पेट्स अटैक इस पर होता है, उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, या फिर मैंने जो होममेड पेस्टिसाइड आपको बनाना सिखा है वो स्प्रे कर देना। बस ध्यान ये रखना है कि आपको इनके फ्लावर के ऊपर कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। ठीक है, अगर मौका लगे तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अच्छे से सावरिंग कर देना, क्योंकि रोज़ जो है वो राजा होता है, आप सबको पता ही है। तो इस राजा को ना नहलाना धुलाना और इसको एक्स्ट्रा केयर बड़ी पसंद होती है। तो देखिए इस तरह से दबा दबा कर मिट्टी को सेट कर लीजिए, तो इसको नहला धुला कर रेडी रखोगे ना तो ये बड़ा खुश रहेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ठीक है, हल्दी का प्रयोग इस पर करते रहना,
हल्दी का डाइल्यूट करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर डाल देना। अगर आपके प्लांट में ना चैंटी वगैरह लग गई है तो वो सब हट जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बहुत सारे मैंने बताए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रोज़ के 3-4 वीडियो आप सबके साथ शेयर किए हैं। वही फर्टिलाइज़र आप इसमें भी डाल सकते हो, वही लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हो, वही स्प्रे इसमें डाल सकते हो, वही खाद इसमें डाल सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का है हमारे रोज़ प्लांट के लिए। तो चलिए वाटरिंग दोनों में कर दूँगी। वाटरिंग करने के लिए यहाँ पर मैं एक लिक्विड सोल्यूशन बनाऊँगी, उससे इसको वाटरिंग करूँगी। उससे क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है ना वो बिल्कुल भी सॉक में नहीं जाएगा और जैसा अभी है वैसा ही बना रहेगा, और जो बड़ अभी बाकी हैं खिलने के बिना वो खिलने लगेंगी, ठीक है। तो गार्डन महक उठेगा। तो चलिए वो लिक्विड बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अब लिक्विड बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा सीविड स्टैक। समुद्री घास होती है, सभी प्लांट के लिए बेस्ट है। इसका यूज़ आप सिर्फ महीने में एक बार ही करोगे। डिटेल में वीडियो जानना हो कमेंट कर देना। ये है हमारा पोटास, जो कि एक चुटकी के करीब है, दोनों प्लांट में काफ़ी होगा। और इसको सॉक ना लगे उसके लिए आप इसमें डालोगे एप्सम सॉल्ट या फिर अपना NPK 1919 बैलेंस वाला, ठीक है। तो ये 2 चुटकी के करीब है, क्योंकि हमारे 2 प्लांट हैं, इस वजह से 2 चुटकी मैंने लिया है। और इसको कर लेते हैं मिक्स, ये देखो, ठीक है। मिक्स करके डालना, ऐसे मत डालना, क्योंकि इसको डाइल्यूट करना, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और एक मग पानी है, लगभग 1 लीटर के करीब होगा ये पानी, ठीक है। सीविड स्ट्रैक की वजह से इसका कलर जो है इस तरह का चेंज हो गया है। तो चलिए दोनों पॉट में, दोनों प्लांट में डाल देते हैं, और बहुत जल्दी मैं इनका रिजल्ट भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ना कभी भी डाल सकते हो वैसे, बट सिर्फ महीने में एक बार डालना, जो कि मैंने सीविड स्ट्रैक बताया है उसको महीने में एक बार डाल सकते हो। और दोनों जो है उनको रिपीट कर सकते हो 15-15 दिन का गैप देकर। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इनको फर्टिलाइज़र दो तो आपको ये ध्यान रखना कि आपके पॉट की मिट्टी ना सूखी हो, इस तरह से गीली होगी, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे और वो सारा बह जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इतना ही डालना जितनी ज़रूरत हो, और उतना ही पानी डालना जितनी की ज़रूरत हो, ठीक है। और मिट्टी सूखी हो वो ध्यान रखना। होप करती हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हमारा वीडियो देख सकोगे। और इन प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हो। कटिंग ग्रो करने का भी इस टाइम पर बेस्ट टाइम चल रहा है। इस प्लांट को देखो, यहाँ से कटिंग इसकी ग्रो की हुई है। चलिए फिर मिलते हैं, हैप्पी गार्डन।